हाँ वो भी बात करेंगे। तो जो लास्ट टर्न पे मैंने पढ़ाया था उसकी कंटिन्यूटी में अगर मैं बात करता हूँ, तो हमने बात की थी एफएम की, तुम्हें समझाया था एफएम होता क्या है। कौन बताएगा एफएम का फुल फॉर्म? मैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऐसे बच्चों एक होता है एएम, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो मॉड्यूलेशन, नहीं, कौन बताएगा एएम? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर तुमने रेडियो का स्केल जाकर देखा, किसी ने देखा या किसी ने भी नहीं देखा? अगर देखा तो जो एएम रिसीवर होता है, रिसीवर यानी रेडियो, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, तो रेडियो डी मॉड्यूलेटर है कि मॉड्यूलेटर है बोलो। लास्ट डी लेक्चर, हाँ मॉड्यूलेटर, लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से अगर तुमने सुना डी था, मॉड्यूलेटर। हाँ रेडियो डी मॉड्यूलेटर है, टीवी डी मॉड्यूलेटर है। तो रेडियो के स्केल पर एफएम तो होता ही है, उसके अलावा होता है। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों? ये नोट करना है, एस डब्ल्यू यानी शॉर्ट वेव, एम डब्ल्यू यानी मीडियम वेव। एक होता है शॉर्ट वेव बैंड, बैंड बोलते हैं हम, यानी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंड। जैसे एफएम की फ्रीक्वेंसी मैंने तुम्हें बताई थी कहां से कहां तक, 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। रेडियो में भी देख सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो अगर मोबाइल में एफएम है तो। और शॉर्ट वेव बैंड, इट इज कॉल्ड शॉर्ट वेव। अब जैसा इसका नाम है, इसका नाम क्या है? शॉर्ट वेव। तो ये वेव कैसी होती है? शॉर्ट वेव होती है, छोटी वेव। एम डब्ल्यू मीडियम वेव, तो ये मीडियम साइज की वेव होती है, मीडियम वेव। तो क्या तुम खाली नाम सुनकर बता सकते हो? जैसा मैंने बोला फिजिक्स बहुत ही आसान है, तो अगर हमको नाम पता है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। लैम्डा इज सिंबल फॉर किस, किसको दिखाते लैम्डा से हम? लाइट की फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ। लैम्डा से हम दिखाते बच्चों वेवलेंथ को, वेव लेंथ, वेव की लंबाई, वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए सिंबल है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सिंबल था याद है? भूल गए? फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ और न्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, घुमा हुआ भी, इसे दिखाते हैं कभी कभी एन से भी दिखाते हैं बच्चों। तो वेवलेंथ लैम्डा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां लिखता हूं वेवलेंथ ऑफ शॉर्ट वेव, वेवलेंथ ऑफ मीडियम वेव, नाउ चूज एन अप्रोप्रिएट सिंबल और साइन टू फिल इन द ब्लैंक, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। क्या भरोगे बच्चों, ए थर्ड बी सी या सी? बाकी बच्चे बताओ तुम लोग क्या भरोगे, सब अपना अपना जवाब दो। हाँ, क्योंकि मीडियम वेव का साइज होगा मीडियम, शॉर्ट वेव का साइज होगा शॉर्ट, तो डेफिनेटली शॉर्ट वेव की वेवलेंथ मीडियम वेव की वेवलेंथ से कम होगी। समझ में आ गया, फिजिक्स इतनी आसान है। यानी जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वर्ड्स का, वही मीनिंग निकल के आता है और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली। मैंने मॉड्यूलेशन के बारे में लास्ट टर्न पे तुम्हें बताया था, अगर एग्जांपल तुम्हें याद रहा हो, मुझे यहां से ऐसे करते क्या हो बेटा, साउंड जब भी तुम बोलते हो पहले कॉन्फिडेंटली अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करने के बाद 2 सेकंड का पॉज लो, 1 2, फिर तुम अपनी बात बोलो और धीरे धीरे और पूरे विश्वास के साथ बोलो। जब तुम बोल रहे हो तुम्हारे मुंह के आगे हाथ या और कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, मुंह और माइक के बीच में, जहां पर भी तुम्हारे पास जो सिस्टम तुम यूज कर रहे हो उसका माइक है, वहां रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए।
तो फिर मैं आवाज साफ साफ सुन पाऊंगा। ओके, सो हमने देखा कि अगर मुझे यहां से सब्जी मंडी जाना है, पास में ही जो सब्जी मंडी है हमारे घर के पास में, तो मैं पैदल पैदल जा सकता हूं, पर अगर मुझे स्टेशन जाना है तो मैं ऑटो में बैठूंगा। बच्चों, जब मैं ऑटो में बैठूंगा तो क्या उसकी सीट दबेगी, टायर दबेंगे? कोई आया है? मीटिंग में अच्छा, मैं जब ऑटो में बैठूंगा तो क्या उसकी सीट और टायर दबेंगे? व्हाट डू यू हाँ थिंक? हाँ, दबेंगे ऑब्वियसली, मेरे वजन के हिसाब से, जितना मेरा वजन है उसके हिसाब से। मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ बच्चों, मॉड्यूलेशन में होता क्या है। बेसिकली लास्ट टर्न पे हमने दो टर्म्स और डिस्कस की थी। आर एफ फुल फॉर्म इज, कौन बताएगा? वेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी। गुड, रेडियो फ्रिक्वेंसी। और इसका मतलब वही है जो नाम का मतलब है, यानी कुछ ऐसा अनोखा नहीं है इसमें। रेडियो की फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ए एफ फुल फॉर्म इज, बोलो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो भाषा फ्रिक्वेंसी। सुनने वाली हाँ, फ्रीक्वेंसी। जो हम सुनते हैं वो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी। क्या तुम एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी से कम की फ्रिक्वेंसी सुन पाओगे, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी से नहीं ज्यादा की फ्रिक्वेंसी सुन पाओगे? तो जवाब है नहीं। नहीं तो वो फ्रिक्वेंसी नहीं रेंज क्या है, वो रेंज भी हमें पता होनी चाहिए। जो हम सुन सकते हैं, जो सुना जा सकता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सोनिक। ठीक है, जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, यानी हम सभी मनुष्य हैं, हम लोग जो मीटिंग में हैं, ऑल आर ह्यूमंस। हाँ ओके, यही कोई बात एलियन तो नहीं है कोई? ओके, है। तो उसको बोलेंगे सोनिक। तो सोनिक रेंज कहां से कहां तक है? सोनिक रेंज है बच्चों 20 हर्ट्स, 20 Hz। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था हर्ट्स क्या होता है। सीपीएस साइकल्स पर सेकेंड, आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 20 आवाजें आ रही हैं, या 20 बार कोई चीज वाइब्रेट कर रही है। 20 वाइब्रेशंस, वीबीएस वाइब्रेशंस, वीपीएस वाइब्रेशन पर सेकेंड, वो भी कह सकते हैं। तो हम सुन पाएंगे, सुनना शुरू होगा 20 हर्ट्ज से। 20 हर्ट्ज से कम है अगर फ्रिक्वेंसी तो हम नहीं सुन सकते। एंड कहां तक सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 किलो हर्ट्स। व्हाट डज स्मॉल के स्टैंड फॉर? यहां स्मॉल के का किलो मतलब किलो, एंड किलो मींस 1 किलोग्राम दूध, 1000 ग्राम। किलो मींस 10^3। 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। 1000 मतलब 10^3, एक के बाद 3 0। तो 20,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं। 20 के आगे 3 0 लगाऊंगा, 20,000, 20,000। तो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं अगर तुम उससे आगे गए, 20 किलोहर्ट्ज से आगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20,000 से ज्यादा कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, साइकल्स कंप्लीट कर रहा है, तो हम नहीं सुन पाएंगे उसको। उसको बोलते हैं अल्ट्रा सुपरसोनिक, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाँ, अल्ट्रासोनिक कहेंगे उसको, अल्ट्रासोनिक, जो नहीं सुन सकते, अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा। और अगर इससे कम है, लेस देन 20 हर्ट्स, तो उसको बोलेंगे इंफ्रा, इंफ्रा, उसके अंदर इंफ्रा सोनिक। और इंफ्रा सोनिक का एक नाम और भी है, उसको हम क्या कह सकते हैं? पैरा, पैरासोनिक। किसी ने गलती से गलत स्पेलिंग लिख दी हो, पैनासोनिक तो कंपनी बन जाएगी। ठीक है, पैनासोनिक नहीं, पैरासोनिक, है ना, टीवी वाली कंपनी बन जाएगी, पैनासोनिक। तो पैरासोनिक या इंफ्रासोनिक एक ही बात है, अल्ट्रासोनिक हो गया, ये सोनिक हो गया। अब जो बात तुमने की थी सुपरसोनिक, तो वो अलग चीज है, उसको साथ साथ में समझ लो, मैं दोबारा याद दिला देता हूं। व्हाट इज सुपरसोनिक?
सोनिक किससे रिलेटेड है, साउंड से कि लाइट से? साउंड से. साउंड से ऑब्वियसली, सोनिक सुनना, ठीक है ना. तुम देखोगे अंग्रेजी के शब्द भी बच्चों हिंदी के शब्दों से मेल खाते हैं. अच्छा एक शब्द है लूमिंग, लूमिंग जानना चाहोगे व्हाट इज लूमिंग? अच्छा हिंदी में अगर तुमने कभी सुना हो अपने बड़ों को कहते हुए, तुम कहीं पर लटक रहे हो पेड़ की डाल पर, या पेड़ नहीं है तुम्हारे आसपास तो छज्जे पर, या कहीं भी लटक रहे हो ऐसे हाथ से यूं पकड़ के लटक रहे हो, तो तुमसे बोलते हैं क्यों लूम रहा है, सारे लूम हाँ. गए, झूम गए, लूमना बोलते हैं, लूमना, लूमिंग. तो तुम गौर करोगे तो हिंदी और अंग्रेजी में बहुत समानताएं हैं, हिंदी से ही सारे शब्द गए हैं, मोस्ट ऑफ द लेटर्स तो मैच करा सकते हो. तो लूमिंग का मतलब लटकना ही होता है अंग्रेजी में भी, और हिंदी में भी लूमने का मतलब लटकना होता है ना. गांव में पूछ लेना अपने नाना जी दादा जी से लूमना मतलब क्या होता है, तो लूमना मतलब लटकना, लूमिंग. तो ये मैं बताऊंगा अभी तुमको. तो वापस यहाँ आते हैं. हाँ बोलो. मौसा जी टाइप करना, उसको लिखना है. हाँ जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सब तुमको लिखना है. अब ये मैं तो, मेरे पास तो इनफाइनाइट बोर्ड है, मैं इधर उधर दाएं बाएं किधर भी जा सकता हूँ, लेफ्ट राइट, पर तुम उसको नीचे लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, व्हाट इज सुपरसोनिक? सिंपल सी डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऐसी कोई वस्तु. विच, विच का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? सी अंडरलाइन, क्योंकि विच की स्पेलिंग में सी आता है. हमने विच का शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया? डब्ल्यू एच आई सी एच, ये होता है विच. इसको हम नोट्स में शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे. और विद का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बनाया? डब्ल्यू आई टी एच, इसमें सी एबसेंट है, सी नहीं आता, जिसमें सी नहीं आता तो सी के ऊपर लगा दिया, इसको पढ़ते सी बार, सी बार और सी अंडरलाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिंक करते हुए चलते हैं. तुम ऐसा मत सोचना कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये तुम्हें परवाह नहीं करनी कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कहाँ काम आएगा कैसे आएगा, वो उसकी परवाह नहीं करनी तुमको. बस तुम मानते जाओ, एक्सेप्टेंस देते जाओ, हाँ ऐसा 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 कुछ होता है, उसको लिंक करते जाओ, चीजों को समझने की कोशिश करते जाओ. बच्चों जिन नंबर्स को तुम यूज कर रहे हो उसमें कितने डिजिट्स हैं? तुम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो उसमें टोटल कितनी डिजिट से सारे नंबर बन जाते हैं? सारे नंबर बन जाते हैं कितनी डिजिट से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है. अब इन्हीं के रिपीटेशन से सारे नंबर बन जाते हैं. इसको हम बोलते हैं जिसमें 10 डिजिट्स काम आ रही हैं, उसको बोलते हैं टेनरी सिस्टम. टेनरी. डेसिमल तो उसमें बोलते हैं जब जहां हम दशमलव प्रणाली, जहां पॉइंट लगाते हैं, ठीक है. कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है. इट इज टेनरी नंबर सिस्टम, टेनरी सिस्टम, बिकॉज डेसिमल दशमलव प्रणाली बोलते हैं. डेसिमल बोलते हैं दशमलव हिंदी में. बच्चों ये जो पॉइंट लगाते हैं ना, जैसे 1.0, 1.02, तो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. दोबारा से चेक करना तो. ओके सो दिस इज टेनरी. तो सोच के देखो, अपने प्रेडिक्शन मोड में जाओ. तुम्हारे अंदर इतना अच्छा दिमाग है बच्चों, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो. भगवान ने सभी को इतना सोचने समझने की क्षमता दी है. अभी हम पर निर्भर करता है हम उसको कितना विकसित कर लें. टेनरी का मतलब 10 डिजिट, तो बताओ बाइनरी का मतलब कितनी डिजिट? 2 डिजिट. हाँ, और वो कौन सी? 0 और 1. तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें सारे डिजिट्स दो ही डिजिट से मिलाकर बन जाते हैं, 0 और 1 से, जो कि कंप्यूटर में हमारे काम आता है. 0 को अगर हम लॉजिक से लिंक करें, इट मींस नो, देन 1 मींस यस, 0 मींस ऑफ, देन 1 मींस ऑन. यानी जितने भी नेगेटिव लॉजिक हैं वो सारे के सारे तुम 0 के साथ लिंक कर सकते हो, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव लॉजिक है वो सबके सब किससे लिंक हो जाएंगे? 1 से. इट मींस आज के बाद, इस लेक्चर के बाद, तुम्हें कभी किसी को गाली देनी हो तो तुम्हें अपना मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है,
ऑल द नेगेटिव लॉजिक आर एसोसिएटेड विद दिस जीरो, सिंपली तुम उसको क्या बोलोगे जिसको गाली देना चाहते हो, कॉल हिम जीरो, सारी गालियां उसको लग जाएंगी. ऑल द नेगेटिव लॉजिक आर एसोसिएटेड विद जीरो. क्या बात समझ में आई? ये तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम गालियां देते नहीं हो. मैं भी नहीं देता बच्चों, मैंने कभी गाली नहीं दी, कुत्ता सुअर बस उससे ज्यादा नहीं. तो अब वो भी बोलने की जरूरत नहीं हमें, हम सिंपली जीरो कह सकते हैं. तो बाइनरी नंबर में दो ही डिजिट हैं जीरो एंड वन, और उनसे सारे नंबर बन जाते हैं जीरो एंड वन से. तो अब देखो फिर से प्रेडिक्शन मोड में जाओ, क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो? हमने यहां पे लिखा था सी बार विद के लिए, सी बार विद के लिए. कैन यू टेल मी, अगर जीरो बार है तो मैं उसको किसके बराबर लिख सकता हूं? एनी आइडिया, एनी रफ आइडिया? बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं. हाँ, इट इज, इट बिलोंग्स टू बाइनरी नंबर सिस्टम. ओनली टू डिजिट्स आर पॉसिबल, आइदर जीरो और वन. अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? वन होगा. वेरी गुड. सो कैन यू प्रेडिक्ट वन बार? क्या समझ में आया? अगर जीरो नहीं है इट मीन्स वन है, क्योंकि दो ही तो है. और अगर वन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जीरो है, क्योंकि दो ही तो है, या तो जीरो या तो वन है. चलो ये हमने सीखा. विद विच मैंने ये बार का मतलब समझाया तुम्हें, बार लगाना मतलब वो नहीं होना. तो जीरो बार का मतलब वन, वन बार का मतलब जीरो, किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में. वापस लौटते हैं, सुपरसोनिक की डेफिनेशन हम लिख रहे थे. एन ऑब्जेक्ट विच मूव. अब मूव लिखोगे, मूव्स लिखूं, बताओ एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं? एस लगाओ. हाँ, एंड द रीजन बिहाइंड, जब यहां होता है सिंगुलर, सिंगुलर तो यहां पर लगेगा एस. एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद स्पीड. देखो विद पहचान में आ रहा है तुम्हारे, मैंने कैसे लिखा है? विद शॉर्ट फॉर्म, विद सी बार. एन ऑब्जेक्ट विच, विच भी शॉर्ट फॉर्म, विच मूव्स विद स्पीड वी, माना कि स्पीड वी से चल रहा है, विच इज ग्रेटर देन सी. व्हाट इज सी? सी को पहचानते हो या भूल गए? स्पीड ऑफ लाइट. वेरी गुड. सी इज स्पीड ऑफ लाइट. How much? 3 into 10 power 8 meter per second. राघव को जवाब देना है, पर सबसे बाद में जब कोई नहीं बोलेगा तो इसे बोलना है, नहीं तो राघव को चुप रहना अभी आगे के सवालों के लिए. ओके, जब कोई जवाब नहीं देगा तो फिर राघव जवाब देगा, जिससे कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए बोलने का. तो an object which moves with speed v greater than c, इससे ज्यादा तेज अगर वो चल रहा है, इस कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? बोलो भाई क्या बोलेंगे? एनीवन अदर देन राघव क्या बोलेंगे? फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? बोलो भाई बोलो. हाँ, सुपरसोनिक. तो अब तुम्हें शायद याद आ गया होगा, शायद तुम अब ये भी बता सकते हो, मैक वन मैक टू तुम्हारी साइकिल पे लिखा हुआ है ना. व्हाट डज इट मीन मैक वन मैक टू? कौन बताएगा राघव के अलावा? बताओ बताओ. क्या चीज बोलो बेटा, क्या चीज वापस बोलनी है? आपने पूछा क्वेश्चन, पूछा है मैक वन मीन्स, मैक टू मीन्स, मैक थ्री मीन्स, अगर तुम्हें याद आ गया हो, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. साइकिल पे भी लिखा होता है, तुमने देखा साइकिल पे लिखा हुआ मैक वन मैक टू मैक थ्री? हाँ बताओ बताओ बताओ. अनीश या ईशान कौन बता रहे हो? बताओ. हाँ, मैक वन कब बोलेंगे? जब उस बॉडी की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगी. तो मैक टू कब बोलेंगे? प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम? स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा. अनिश ईशान कौन बता रहा है? मैक टू
बताओ, प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चों? मैं बताऊं, ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, मैंने ये सी गलत लिख दिया है, ठीक है, यहां पर भी मैंने सी गलत लिख दिया है, यहां पर भी गलत लिख दिया है। किसी ने गौर किया इस बात पे या सब इनर्शिया मिस्टेक कर रहे हैं? दिस इज नॉट सी, दिस इज वी एस, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड। वी एस स्पीड ऑफ साउंड, सी तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी। यहां पे हम तो बात किसकी कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया मैंने क्या गलती की थी? अच्छा मैक वन किसके बराबर? अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है स्पीड ऑफ साउंड से तो मैक वन, और डबल द स्पीड ऑफ साउंड पे चलेगा तो क्या बोलेंगे? मैक टू। तो बताओ मैक थ्री किसको बोलेंगे? थ्री टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पे चलेगा। तो नाउ इट इज क्लियर, जो जो नहीं समझ में आया पूछो, फिर आगे पढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस ओके, तो हमने बात की एफएम की, एएम की, मॉड्यूलेशन, मीडियम वेव। हाँ बोलो बेटा। सर जी, मैथ का मतलब क्या होता है? बस मैक एक नंबर है जो हमने एसोसिएट किया है ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में कितनी स्पीड पे चल रहा है। सो मैक इज ए मैक नंबर, इट इज ओके कॉल्ड मैक नंबर। तो मैक वन, मैक टू, मैक थ्री। एंड जब इसकी ओके बात चली ही है तो मैं एक और टर्म यहां पे क्लियर कर दूं। बो तो सब जानते हैं, व्हाट इज बो? झुकना। हाँ, एरो और वो हाँ, झुकना भी होता है, इसका अर्थ होता है बो यानी झुकना। और रेनबो में भी क्या होता है? रेन के आगे बो होता है यानी उसका शेप। जान में भी वो होता है। हाँ, ऐसे ही एक होता है बो ऑब्जेक्ट। क्या ये जानते हो? बो नहीं, ऑब्जेक्ट, जैसे सुपरसोनिक होता है वैसे बो ऑब्जेक्ट होता है। सुपरसोनिक चलता है हवा में, सुनना ध्यान से, सुपरसोनिक कहाँ चलता है? हवा में। हवा में, पर वही हवा ऑब्जेक्ट, हाँ वही ऑब्जेक्ट अगर पानी में चले, पानी पर चले, पानी में चले, तो उसको क्या बोलेंगे? बो ऑब्जेक्ट इन सर मेरे को समझ नहीं आया। वाटर। देखो एक एरोप्लेन चल रहा है, तो एरोप्लेन पानी में चलता है क्या? नहीं, हवा में चल रहा है। तो हवा में चल। अगर एरोप्लेन हवा में स्पीड ऑफ साउंड से तेज चल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? रूम टेम्परेचर पर 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होती है 331 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है साउंड की स्पीड। ठीक है, तुमने गौर किया हो सर्दी की रातों में जब तुम सो जाते हो, दूर अगर ट्रेन चल रही है, बहुत दूर है स्टेशन, तो भी ट्रेन की आवाज आ जाती है रात में हाँ, तुम्हारे कान तक, या दूर दूर से दूसरी आवाजें आती हैं तुम्हारे कान तक। बिकॉज बिकॉज टेम्परेचर कम होने पर क्या वो लाइट तेज की चलती स्पीड बढ़ हैं जाती है, या तेज टेम्परेचर कम होने पर धीमे चलती हैं? बताओ। चलती है। उल्टा उल्टा है। 340 मैंने बोला था ना, टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, साउंड की स्पीड कम होती है। अब सर्दी की रातों में तुम्हें दूर दूर की आवाज जो आती है उसका कारण दूसरा है, एक फैक्टर और है बच्चों यहां पर, और वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैटर करती है, तो उसको हम आगे समझेंगे, बाद में समझेंगे। तो अभी ताऊजी, हाँ बोलो। ताऊजी, वो जो आपने नीचे कैलकुलेशन लिखा है उसमें 33 के बाद 1 थ्री थ्री वन, इट इज 331, है, थ्री या थर्टी फिर वन, 33 नहीं है पूरा, 331 है, 331 मीटर पर सेकेंड, इट इज थ्री ओके थर्टी वन मीटर पर सेकेंड। एनी अदर डाउट? उसको लिखना कोई है बात नहीं, वेबसाइट कोई बात नहीं, जितना दिखे उतना लिख लो, बाद में दोबारा। तुम इतने बिजी पर्सन मत बनो, इतने मजबूर मत बनो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं हो बाद में।
टाइम निकालकर कभी भी चलाकर तुम इसको वीडियो को देख सकते हो और फिर इसे कंप्लीट कर सकते हो। अभी तुम करंट पे आ जाओ क्योंकि क्लास को खत्म करने का समय होने जा रहा है। सो जितना लिखा उतना अच्छा है, जगह छोड़ दो, अभी इस पे आ जाओ तुम करंट पे। तो हमने SW MW सब पढ़ा और कुछ और चीजें हमने जानी। अभी रागों की क्वेरी थी, कैमरा कैसे काम करता है। तो एनीबॉडी, तुम में से कोई बताना चाहता है बताओ, क्या लगता है? सब अपने अपने व्यूज दो। तुम्हें क्या लगता है कैमरा कैसे काम करता होगा, कैसे हमारी फोटो खींच लेता है कैमरा? व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ बताओ, कौन बताना चाहता है? अच्छा, ओके। और कौन बताएगा? अनीश तुम बता रहे हो? हाँ 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 सिंगल पॉइंट क्रिएटिंग शार्प इमेज ओके ऑल लाइट रेज मीट बैक टूगेदर ऑन अ डिजिटल कैमरा सेंसर और पीस ऑफ फिल्म दे क्रिएट अ शार्प इमेज ओके। रिफ्लेक्शन की वजह नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बेटा। कैमरा में, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन। एक्चुअली इट इज रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है, बैंड हो जाती है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और लेंस जो है उसको बैंड करके फोकस पे फोकस करता है, एक्चुअल में इमेज फॉर्म करता है। अब पुराने जो कैमरा हुआ करते थे, अगर तुमने नाम सुना हो तो रील लगती थी बच्चों, उसमें पुराने कैमरा में रोल लगाना पड़ता था फोटो खींचने के लिए। अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊं, उसमें केमिकल कोटिंग होती थी बच्चों कैमरा रोल पर। ये देखो, ये पुरानी तरह के कैमरा हैं कुछ, ये बहुत ही पुरानी तरह का कैमरा। और ये जैसे ये तुम, हाँ ये फिल्म की रील तुम देख रहे हो, इस रील पर बच्चों केमिकल कोटिंग होती थी। अब कैमरा का जब बटन दबाते थे तो लेंस के सामने का शटर, लेंस के जस्ट पीछे एक शटर होता है, वो ओपन होता था और फिर क्लोज हो जाता था। तो जितनी देर वो ओपन होता था, उसमें से कुछ लाइट होकर जाती थी पीछे, और लाइट जाकर ये केमिकल लगी हुई रील को एक्सपोज करती थी। इसको बोलते थे रील को एक्सपोज करना, यानी उस पर लाइट पड़ती थी तो सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस होते थे जिनको बोलते थे फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रोशनी पड़ने पर कोई केमिकल अपना कलर चेंज कर लेता है। तो रोशनी जहां ज्यादा पड़ती थी वहां अलग कलर आएगा, जहां रोशनी कम पड़ेगी वहां अलग कलर आएगा, तो वो निगेटिव तैयार होता था, फिर इसको बोलते थे निगेटिव। और फिर इस निगेटिव से, ये निगेटिव है रील का, और इससे हम बनाते थे फोटो पॉजिटिव। ये तो होता था पुराने कैमरा का प्रोसेस। एस्क्यू हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे? जब मम्मी का न्यू न्यू मैरिज हुआ था हाँ सर आपका कैमरा फोटो खींच लिया था हाँ हाँ सर इससे वो ये सेम ऐसे ही प्रोसेस होता था। ठीक है, और अब जो कैमरा है, डिजिटल कैमरा, उसमें अब रील नहीं होती है, उसकी जगह मेमोरी होती है, और मेमोरी में वो स्टोर होता है जाके। तो वहां पर जो सेंसर होता है वो होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड एक डिवाइस है जिसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। जितने भी तरह के ऑप्टिकल सेंसर हैं, उसमें सेंसिंग करने का काम ये फोटो डायोड करता है। ये फोटो डायोड यहाँ तुम देख रहे हो, दिस इज फोटो डायोड। ये लाइट को सेंस करता है, सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टोर हो जाता है मेमोरी में जाकर, जो कि उसके अंदर चिप होती है। तुम्हें पता है मेमोरी कार्ड लगा होता है कैमरा में, तो उसमें वो फोटो स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है, ये फोटो डायोड जैसे। इसके अंदर ये लाइट को सेंस, लाइट सेंसर लगा होता है। तो मोबाइल के कैमरा में भी तुम इसको देख सकते हो। तो ये हमने थोड़ी सी बात की, इसकी डिटेलिंग मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तुम्हारी ऐसी जितनी भी क्वेरीज हो, घर में जो सामान है वो कैसे काम करता है, कौन से सामान कैसे काम करते हैं, उनके रख रखाव से रिलेटेड, तो तुम वो मेरे से पूछ सकते हो।
I will answer them. Okay. Bye. Bye too.